हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्वाद विद शोभा में। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल स्वाद विद शोभा को सब्सक्राइब करें। इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 100 ग्राम मैदा ली हुई है, 100 ग्राम मावा लिया हुआ है, 100 ग्राम बूरा लिया हुआ है और मिक्स मेवा है, 25 ग्राम देशी घी लिया हुआ है मोहन के लिए और यहाँ पर पानी आटा उसलने के लिए। तो सबसे पहले हम मावे को भून करके तैयार कर लेंगे, इसमें डाल देंगे। इसको मैंने 5 मिनट भूना है, गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये पूरा ठंडा हो जाएगा फिर इसमें हम बूरा मिलाएंगे। सबसे पहले अब इसमें मैदा डाल देंगे। यहाँ पर हमने मोहन के लिए घी लिया था, इसमें अब डाल देंगे। इसको अच्छी तरह मिला लेंगे इस तरह से लेके, और ये देख लें ये मुट्ठी बन गया है और ये हमारा मोहन सही है। और यहाँ पर जो मैंने गुनगुना पानी लिया हुआ था वो इसमें थोड़ा थोड़ा डाल के उसल लेंगे। और देखें आटा उसन करके तैयार हो गया। इसको उसलने में 1/2 कप पानी लग गया। अब इसको आप 10 मिनट के लिए रख देंगे। ये मावा बिल्कुल ठंडा हो गया है, अब इसमें हम बूरा डालेंगे। इसको अच्छी तरह मिला लेंगे। जो यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए थे इसमें डाल देंगे और 1/2 टेबल स्पून पिसवी इलायची, और इसको अच्छी तरह मिला लेंगे। इसकी लोई बना करके तैयार करते हैं। इस तरह से आप लोई बना लें। लोई बन करके तैयार हो गई है, इसको हम ढक के रखेंगे। चलिए अब बेलना शुरू करते हैं। इस तरह से लोई को रख करके इस तरह से बेलना शुरू करेंगे। और इसको बेलते समय इस बात का ध्यान रखना है कि इसको चारों तरफ से बेलें। देखिए चारों तरफ से एक सी बन गई है। इसको इस तरह से लेके, और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मैदा पानी में घोल करके तैयार कर ली है। इसको अब इस तरह से थोड़ा सा इस तरह से लगा के और इसको फोल्ड कर देंगे इधर से। और जो हमारी स्टफिंग तैयार थी उसको अब इसमें भर देंगे इस तरह से। गुजिया तो आपने बहुत खाई होंगी, पर जब आप इस तरह बनाएंगे और खाएंगे तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी आपको लगेगी। ये बहुत अच्छी तरह चिपक गई है, ये की डिजाइन बनाते हैं। इसको इस तरह से थोड़ा सा दबाएं और फिर इसको फोल्ड कर दें, फिर थोड़ा सा दबाएं फिर इसको फोल्ड कर दें। इस तरह से बन करके तैयार हो गई। यहाँ पर मैंने एक कपड़ा ले रखा है, इसके अंदर इस तरह से रख देंगे और इसको अब ढक देंगे। सारी गुजिया हमने भर करके रख ली है, इसको हम ढक कर ही रखे हैं इस तरह से। अब हम इसको तलेंगे। गैस को ऑन कर देते हैं। घी को चेक करने के लिए थोड़ा सा आटा इसमें हम डाल करके देख लेंगे। और यहाँ पर हम गुजिया इस तरह से डालेंगे, इधर से संभल के डालें आप, इधर से जहां से हमने डिजाइन बनाई है उधर से। और इसके ऊपर हम घी इस तरह से धीरे धीरे करते रहेंगे। जिस करछी से हम गुजिया सेकेंगे वो शार्प नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि गुजिया में लग जाएगी तो गुजिया फट जाती है। ये पलटने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो इस तरह से आप थोड़ा सा इसको इस तरह से कर लें तो ये पीछे से भी आराम से सिक जाएंगे। जो सिक करके तैयार हो गई इसको हम उतारेंगे। बन करके तैयार हो गई है दीपावली स्पेशल गुजिया।